हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल कुकिंग विद सनराज में। मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती हूं और आशा करती हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। तो आज हम सूजी से 2 चम्मच तेल में लंच बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को सुबह के ब्रेकफास्ट में या लंच बॉक्स में भी बना कर ले जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आधा कप सूजी और आधा कप दही लिए हैं। सब्जी में हम बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और 1 पीस कच्चा आलू लिए हैं। सबसे पहले आलू को क्रश कर लेंगे। फिर इसमें पानी डालकर धो लेंगे और इसे मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। उसके बाद सूजी और दही डाल लेंगे। फिर इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डाल लेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और पानी डालकर गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसे बनाने के लिए पैन में तेल डाल लेंगे। फिर 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल और 1 छोटा चम्मच राई डाल लेंगे। उसके बाद घोल डालकर फैला लेंगे। आप चाहे तो इसमें कढ़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। फैलाने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट एक तरफ से पका लेंगे। घोल डालने के बाद इसके ऊपर हरी मिर्च, सफ़ेद तिल और राई डाल लेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से पक जाएगा तब इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। दोनों तरफ से पकने के बाद इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर छोटे टुकड़े में काट लेंगे। छोटे टुकड़े में काट लेने से आप इसे आसानी से लंच बॉक्स में भी रख कर ले जा सकते हैं और बच्चों को भी खाने में बहुत ही आसानी होगा। ये लंच बॉक्स बनाने में बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कॉमेंट में शेयर कीजिए। मेरी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे उसके लिए आप मेरे इस चैनल कुकिंग विद सनराज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।